भयंकर गुस्सा। साई मेरे साई अंदर आ पीछे पीछे बेटा आप रहे। हरिद्वार में दिन दहाड़े भेल सेक्टर एक में पहुंचा हाथियों का झुंड। धर्मनगरी हरिद्वार में जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में दिखाना लगातार जारी है। ताजा मामला हरिद्वार के भेल सेक्टर एक का है, जहां आज सुबह ही हाथियों का झुंड टहलते हुए दिखा। आलम यह रहा कि हाथियों के झुंड को देखकर पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिसका वीडियो किसी स्थानीय निवासियों द्वारा बना लिया गया। जानकारी देते हुए हरिद्वार के रेंजर दीप नौरियाल ने बताया कि आज सुबह करीब 11:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि जंगल से निकलकर एक हाथियों का झुंड भेल सेक्टर 1 की सड़कों पर देखा गया है, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर कड़ी मेहनत के बाद हाथियों को जंगल की तरफ भेजने में सफलता हासिल की। वहीं जब लगातार जंगली जानवरों के भेल के आसपास देखे जाने के सवाल पर हरिद्वार के रेंज अधिकारी डीवी नौतियाल ने बताया कि भेल प्रशासन की लापरवाही के कारण जंगली जानवर जंगल से निकलकर बार बार शहर की ओर आते हैं। भेल प्रशासन द्वारा ना तो प्रोटेक्शन वॉल सही कराई जा रही है, ना ही वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर प्लान बनाया गया है। इतना ही नहीं, इसी के साथ भेल प्रशासन द्वारा पूरे क्षेत्र में झाड़ियों की सफाई भी नहीं कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागिला न्यूज। बिल्कुल, गुलदार का भी एक प्राकृतिक आवास बन चुका है, क्योंकि उनके अधिकतर जो वहाँ पे जो आवास थे वो खंडर में बदल चुके हैं। तो न केवल परसों प्राइमरी स्कूल में भी हमने वहाँ पे पिंजरा लगाया है सेक्टर 2 के आसपास, और एक वहाँ वर्कर हॉस्टल में वहाँ पे भी लगातार गुलदार देखा। सबसे बड़ा ये है कि स्कूल के अंदर DPS स्कूल में लगातार गुलदार की आवाजाही बनी हुई है। उसका कारण ये है कि उसके पीछे PSC का जंगल, BHL के अंदर जंगल, क्योंकि इनको छुपने की जगह मिलती है। तो मेरा फिर एक बार मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो भी वहाँ बन स्वरूप संरचना हो गई है, एटलीस्ट पेड़ों को न काटें, वहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं वो झाड़ियाँ साफ़ कर दें, ताकि जानवर को वहाँ पे छुपने की जगह नहीं मिले। और सेम वही, क्योंकि अगर वहाँ पे हर्बीवोरस अंदर आएंगे तो कॉर्निवोरस भी डेफिनेटली उनके पीछे पीछे अंदर आते हैं। तो जो भी इनका हाउस होल्ड, जो भी वेस्ट होता है और जो यहाँ पे पीट लगती हैं, उसका जो वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। साथ ही BHL फैक्ट्री का जो अपना एक इनका जो वेस्ट निकलता है फैक्ट्री से, उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सड़कों के किनारे भी कुछ इस तरह का इनका वेस्ट मटेरियल फेंका हुआ है, जिससे कि डेफिनेटली मिनरल्स निकलते हैं और वो मिनरल्स की चाहत में जानवर आबादी की तरफ आते हैं। तो उस वेस्ट मैनेजमेंट, खासतौर पर झाड़ियों को वहाँ पे सुरक्षित तरीके से उनको कटवा दें, ताकि वहाँ पे जानवरों को एक प्राकृतिक आवास न बने। सर, क्या BHL प्रबंधन से किस संबंध? बिल्कुल, BHL से हमारी लगातार बातें चल रही हैं, पत्राचार भी चल रहा है। अभी वहाँ पे दो जगह हमने पिंजरे भी लगाए हुए हैं, लेकिन ये इसका समाधान नहीं है। समाधान ये है कि जब तक वहाँ पे हमने जो खंडर हैं उनको आप साफ सफाई करवाइए, उनकी झाड़ियाँ कटवाइए। आपके पास पूरा यहाँ पे अभी पूरी संपूर्ण टीमें हैं, वहाँ जब तक साफ सफाई नहीं होगी तब तक वहाँ पे वन्य जीवों का मूवमेंट नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि लगातार राजा जी से इनकी पूरी सीमा राजा जी नेशनल पार्क से लगी हुई है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।